saffron, that is the Rampath in Ayodhya, streams of people walk in the same direction, on a pilgrimage of devotion. All have but one dream, to see the face of Ramlalla. Every day, 1.5 lakh Indians visit Ram Janmabhoomi, flowing from Sirohi in Rajasthan to Bangaigaon in Assam, from Shimla in Himachal Pradesh to Chennai in Tamil Nadu. On the 5th of August 2020, the foundation stone for the temple was laid, which led to various development projects pouring into the city, transforming it into a tourist hub. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the temple on 22 January 2024 and officially opened its doors to visitors. साथियों, आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है. Development projects in the city and its surroundings are worth more than 11,000 crores, with the widening of roads costing about 3,600 crores. The redevelopment plan spans a decade, focusing on infrastructure and tourism. Today, the roads are filled with countless people and countless shops, but only one color and one chant prevails. The residents of Ayodhya then ask, what is the cost of this development? What happened after the foundation stone was laid? Nitin Kumar is a resident of the Kaushalya Ghat. He lost 11 meters of his house to the expansion of the Panchkosi Parikrama Marg. इसमें से भी आधा टूटा भी नहीं. 2 से 2.5 लाख रुपए उस पर हमने लगवाया तो इतना टूटा, उतना ऊपर बनवाई. अगर एक कमरा मिनिमम देखा जाए तो 2 लाख से नीचे बचता नहीं. अगर एक कमरा भी आप फरमाएंगे कहीं 2 लाख रुपए लग जाते. तो जब हम लोग ने जमीन खरीदा था तो इसका सरकारीकरण मतलब पट्टा करवाने की कोशिश किया, लेकिन वो पट्टा हो नहीं पाया क्योंकि वो प्रतिबंध लगा हुआ था बहुत पहले से. तो मुझे लगता है तो सरकार ने पहले से प्लान बना रखा था कि अयोध्या की सारी जमीनें अधिकरण होना है, लेकिन आप जनमानस नहीं जान रहा था ये सारी बातें. ये सब जंगल था तो लोग आके बसे यहाँ पे खरीद के, इसलिए हमारा जब सरकारी जमीन नहीं हुआ है इसलिए मुआवजा भी कम मिला. 1.5 लाख रुपए बदल रहा है, बहुत अच्छा है, डेवलप हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से तेजी से डेवलप हो रहा है और इस बदलते दौर में हम लोग को क्या करना चाहिए ये अभी अनुभव नहीं है. डिमांड क्या यही नहीं अनुभव हो पा रहा है, क्या किया जाए जिससे इस डेवलपमेंट पे हम लोग एडजस्ट हो पाए. अब जो यात्री आ रहे हैं बाहर से उनका मेन टारगेट जन्मभूमि, या तो फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, यहाँ से उतर रहे हैं सीधे जन्मभूमि भाग रहे हैं. होटल वाले, हम लोग होटल तो खोल नहीं सकते, और जितने भी होटल अयोध्या बने हुए हमारे ख्याल से 1% केवल अयोध्या के लोगों ने होटल बनवाया है और 99% लोग बाहर के होटल है. बाहर से सारा जितना भी प्रोजेक्ट है अयोध्या में चल रहा है सारा बाहर, लोकल के लोग सिर्फ मजदूर. मिलना था भाई, जमीन तो गया, क्या जा रहा, थोड़ा मिलता है. अब अगले सत्र में सुनाई पड़ता है इलेक्शन के बाद, जो कहता है कि 3 मीटर और बढ़ेगा सड़क की चौड़ाई, कब है कि चौड़ाई बढ़ाएंगे, जगह जाएगा जरूर. अयोध्या के बाहर बहुत सी गाड़ी भाई अभी भी तो खाली प्लाट है, क्या करेंगे भाई, प्रशासन है लड़ पाएंगे नहीं. मंदिर से जनता कोई दुखी नहीं है, मंदिर में जनता तो सुखी है. अच्छा हुआ कि जिंदगी में झगड़ा खत्म कर गया, मंदिर का निर्माण हो गया, कि मेरे की संधि खड़क हो जाए, जो है जनता दुखी है. While thousands like Nitin and Mohan had parts of their homes demolished, there were 8 families who lost every single brick to the development of the Ram Janmabhoomi Kshetra. 7 सितंबर 2021 को हमारा घर तोड़वा दिया गया बिना किसी नोटिस के, कोई नोटिस नहीं, जबकि सरकारी नियम है कि किसी को बिना नोटिस दिए जो है उस व्यक्ति का हम घर नहीं गिरवा सकते, यदि उसमें फैमिली रह रही है तो. लेकिन इन्होंने गिरवा दिया और एक भी रुपया हम लोगों को मिला नहीं आज तक. रामकोट ईराना अयोध्या में मेरा घर बना था जन्मभूमि के जस्ट पीछे, हम पूरा घर तोड़ दिया 1320 स्क्वायर फीट में, उसको अब इसमें ले लिए हैं राम जन्मभूमि में उसको.
ये जो हमने IGRS किया था उसका रिपोर्ट है। ये सिर्फ दिलासा ही दिए, पैसा किसी ने नहीं दिया कि हाँ बाद में आपको दिया जाएगा, कुछ न कुछ दिया जाएगा। मणि पर्वत के पास आपको एक बिस्सा जमीन दिया जाएगा और घर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये कह के हम लोगों से सहमति पत्र भी एक अप्लीकेशन लिखवा लिए थे, सभी का आधार कार्ड लगवा करके। 8 लोग थे इसमें, हम लोगों का कम से कम 10-12 लाख रुपए से कम नुकसान नहीं हुआ। स्थिति ये है कि रहने के लिए बिल्कुल समझिए जगह नहीं है, हैं दूसरी जगहों पे हम लोग रह रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बस कोई मतलब ही नहीं है। चाहे जितना लिख लो, चाहे जितना जाओ, कहीं जाओ, कोई मतलब नहीं। और मेरा तो विश्वास ही उठ गया इस कानून से। The 2024 Lok Sabha election results have delivered a shocking blow in the Faizabad constituency, which includes Ayodhya. Despite being witness to politicians asking for votes on the basis of religion, the citizens of Ayodhya chose not to vote in the name of Ram. Samajwadi Party's winning candidate, Avadhesh Prasad, soon after the results, promised proper compensation to those whose lands have been taken away. The next 5 years will reveal whether these promises reach Mohan, Maniram, Nitin and countless other residents who were let down by their government. नल्लू सिंह से अयोध्या लोकसभा से, उन्होंने कभी यहाँ के पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं किया, बेघर हो गए, कभी किसी से उन्होंने हाल चाल नहीं पूछा, औरतें निकाल दी गई, छोटे छोटे बच्चे निकाल दिए गए, किसी से उन्होंने कभी कोई हाल चाल नहीं पूछा। जिन लोगों की रोजी रोटी दुकानें रोड के किनारे चल रही थी, उन लोगों को सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए दे करके किनारे कर दिया गया। उन्होंने पब्लिक के साथ अन्याय किया है। आप पब्लिक से भी और जो अदर पार्टी के लोग हैं उन लोगों से भी उनको बातचीत करना चाहिए, लोगों के दुख दर्द पूछना चाहिए। मैं इनके पास 3 सालों में 4-5 बार गया था, लेकिन इनसे हमें कोई सहानुभूत नहीं मिली, ना ही इन्होंने हमारी कोई मदद की थी। मुझे कोई उम्मीद नहीं रखता कि किसी प्रकार का कुछ करेंगे। बसे बसाए शहर को उजाड़ दिया, कोई बात नहीं, कोई काम नहीं, किसी वीरान स्थल को शहर बसाया होता तो कोई काम होता, कोई बात नहीं।